याड़ा जो याड़े आड़ा आगे लखड़ यार सब ये दोनों अच्छा ठीक है ना तू पीछे आ गई वे फ्रंट कैमरा चला रहे हां तो प्रभा थोड़ी सी बस बुरा नहीं मानना पर नू भजी अरे ताई तो मत कह भाभी थी भाई ताई जा थी बब अलग थी सी एक ताई है पर वो ताई ठीक होना भी आता है बहू जोरे की बहू थी आज ना बहू काका का बुढ़ा हो रहा था मैं कहा इसकी बहू की ताई कह दी थी जैसे बाथरूम से पानी गिरता नहीं ऐसे इसका लेंथ देखो साला जी आगे देखो थोड़ी कड़वी है बाबू सोने की बोली बोली सांदे का छोरा पग हरियाणे आरा यो छोरा हरियाणे राम राम भाई आज 12 तारीख होगी अरे उठे हम मनाली में 8:30 बजे उठा हूँ भाई मेरे यार दोस्त मेरे पहला उठ लिए बढ़िया गांव लगड़ रहा है ईवीस गांव में थोड़ी सी बढ़िया सी है अंडे नींद आई थी भाई पर उठ लिया हाँ चलो बाहर का नजारा दिखाता हूँ तुमने देखो भाई बाहर एक नंबर का गांव लगड़ रहा है कि सिर्फ चम चमकन लग रहा है और देखो बजट टेंट लगा रहे थे आवाज आई हाड़ ये टेंट लगा रखे भाई हमने अरे पछे नवा नदी जान लग रही गाड़ी अपने साथ में खड़ी थी अरे फोटोग्राफी चल रही है भाई ओ बेटे ए बाबू लोग क्या कर रहे हो देखो भाई वो उधर ऊपर बर्फ वाला पहाड़ है बे चारों तरफ बर्फ वाला पहाड़ है यो रास्ता ऊपर जागा भाई रोहतांग ने प्लाज मनाली घुमांगे फिर रोहतांग चल लांगे उठा था मैं तो मुंह धो लू अगला चिल्ड पानी में मुंह धोएंगे बहुत चिल्ला पानी मारा है ओह भाई रे तो सुत पड़े भाई मुंह सुधो क्या कती नींद खोल दी तो सारी कती इतना फिरा पानी देखो बता दी ये नजारे आ रहा है यो भाई टॉपी मैन विजय थापड़ सामान लेकर आ रहे हैं भाई हम सारा अपना कुछ इसमें खत्म हो गया कुछ बच रहा है ये बैग चारों आ गए इसमें क्या है
कुछ ना आए उसने वापस रख दे कूड़ा कूड़ा कौन है वो इसने वापस रख दे नाने की तैयारी कर दी है भाई। पानी है बहुत छिड़ा तो जोटे लाला का मैं कोशिश कर रहा हूँ पानी ऊपर गिरने की पर हिम्मत कती नहीं हो रही है। ये रानी भाई के ऊपर गिरा जा रहा पानी। ओह बहुत छिड़ा पानी है रे बहुत छिड़ा पानी। ओए ओए याड़ा जाओ याड़े आड़ा आता याड़े आड़ा आ जाए भी उड़ पड़ जाएगा। क्या खिचड़ी तैयार है भाई? खिचड़ी खावांगे ना तो है आराम से बैठ के खिचड़ी खा गए नफराम भाई। यहाँ से हमने पैकिंग सारी कर दी। यहाँ पे टेंट लग रहा था जो हटा दिया सारा। गाड़ी में सब कुछ सेट कर दिया पैक कर लिया। ई बमताला भाई रोहतांग के साइड पहले अभी मनाली शहर में घूम के आते हैं फिर उसके बाद रोहतांग के और चलेंगे। यहाँ पे देखो भाई बिल्कुल सारा सब कुछ साफ कर दिया है। कुछ छोटा एक बाल्टी है जिसमें पानी है इसमें खाली करके ना अपने धरांगे ठीक है। गाड़ी पे भी थोड़ा कपड़ा मार लिया था साफ सूफ कर लिए है शीशे साफ कर दिए गाड़ी के सारा सामान सेट कर दिया भाई गाड़ी में। ये बड़े तो चलेंगे ये एक टायर पड़ा पाया था बड़े बैठने का तड़के देखा था रात ने कुछ पाया नहीं था। चले भाई चलो अब चलते हैं पहाड़ों में और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में। आ गए हैं भाई मनाली के माल रोड पे। तो एक बात है यार जो मनाली में माल रोड है ये जो शॉपिंग करने की जगह है ना माल रोड क्यों कहा? कितने भी देख लो शिमला नैनीताल हर जगह ये माल रोड ही क्यों है बताइए भाई किसी ने बेरा हो तो। हरियाणा के गाने गाता भाई
हरियाणा फेमस है भाई, कितने चले जाओ हरियाणा जी ज़्यादा चले पाओगा। ठीक है, ये मनाली का मार्ग है भाई, इसमें चल रहे हैं। इस तो दिन मार रहे हैं तो थोड़ा सा उसी लाइटनिंग वगैरह की रौनक नहीं पाओगी, बाकी ठीक है जो है दिन में ठीक है। एक्चुअल चीज़ दिखेगी, रियल दिखेगी, अंधेरे में कभी बेरे नहीं पटे ना, बच्चे मशीनरी दिखा ना, ब्यूटी दिखा ना, कुछ नहीं दिखे तो न्यू है। ठीक है भाई, देखो भाई रोड तो बहुत चौड़ा बना रखा है भाई, मतलब किसी तरह की भीड़ इतनी हो नहीं रही है, पूरा लंबा और बिल्कुल सीधा रोड है। इससे जो भैया इतनी सही है या जो उड़न थी दिखा सारी माल रोड है भैया, ये दुकान हरे अलग अलग तरह की सारी चीज़ महंगी है भाई। नहीं बड़े बेल्ट पूछी थी 300 रुपये की बेल्ट थी, हल्की सी बेल्ट। टेम्पल की ओर निकल दिए हैं भैया, आगे लगा लिया सब ये दोनों। हाँ तो ठीक है ना, तू पीछे आ गई हुई तो तू फ्रंट चला रहा था ना। दे भाई यो कितने टिकने दिंदा रहे यो दौड़े पड़ने वाला, ये बाग बच गया। हिडिंबा टेम्पल जान लग रहा भाई, पेड़ा के नीचे का शहीद है। देखो भाई चढ़ाई है यार, कितनी दूर की है देखते हैं। टाइम हो गया भाई 1:15 बजे अड़े चढ़ना शुरू कराया है, देखते कितनी देर में चढ़ जावा है भाई। गाड़ी है तो भाई लाइन लग रही है भाई, जाम लग रहा गाड़िया गाड़े भी देख लो भाई दूर थी। उधर नीचे हमने देखा था एक गाड़ी वाला न्यूज करी हो है, न्यू पार्किंग करके जा रहा था, इसकी वजह से हो रहा है। बाकी वहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी थी, जब इसको कोई कार्रवाई भी नहीं हुई होगी थी, और इतनी हुई इतनी ना हो रही थी वो पुलिसिया उसके आगे खड़ा था, वो उसने साइड करवा था ना एक बार की कटवा था, एक बार पेन जान दे था। सही चल रहे भाई, बोलो पे खा लो जो के रेट छड़ हुए पूछा कितने के, कितने के 30 की प्लेट कितने आएंगे एक में 30 की प्लेट में 6 गोलगप्पे दे भाई, थे मोटे मोटे 6 गोलगप्पे 30 की प्लेट के। ये पंडित जी पीछे पीछे आर्टिफिशियल गोलगप्पे, मतलब हाँ वो जो बड़े बनाया अगर फिर उन्होंने उबाल लिया अगर तेल मतलब का और करारे करारे भूत पाओगे पर स्वाद ना पाओगे ना। हाँ हिडिंबा टेंपल प्रवेश द्वार पर पहुंच गए भाई, यहाँ पे एक सीधा रास्ता जा है और एक तो ये ओले हाथ रास्ता जावा भाई। देखो ये बड़े थे 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का रास्ता, फिर एक रास्ता मंदिर का, एक फिर नहीं हिडिंबा टेंपल 1.5 किलोमीटर मनु टेंपल है, फिर ना भाई 2.5 किलोमीटर हम चला हिडिंबा टेंपल, ये गाड़ी किधर जान देंगे तो चलेंगे। हाँ भाई पिछले साल वाला रिश्ते लागे लकड़ गए भाई, लकड़ गए हम चल पड़े भाई हिडिंबा टेंपल करना। मेरे राइट में इस साइड में ज़्यादा मनु टेंपल बीच में गलत आ गया मैं तो बच्चे हिडिंबा टेंपल चल रहे हैं, 1.5 किलोमीटर हो रहा है पैदल दो तो चलिए एक मेरे गल चल रहा है। ये पीछे हमने भाई कुछ मेंबर फेट गए थे, झज्जर के थे वे भी, हम भी झज्जर के नौगांव में झज्जर के थे वे,
मैं जैसे धन गाँव दूँ भाई फिर नौ का माँ मतलब वो आंटी के कौन भाई मैं वो गोल के पैर पूछ रहा था मैं पूछ बोल रही अगर एक के बता लग रहा है भाई रानी बोले थी तो मैं खाता ही गोल के पैर बता था बोली रे ताई तो मत कह बता भाई इवन अभी के कहूँ हरियाणवी बोलना रही ताई तो बड़ा प्यारा लाडला वर्ड है यार है ताई वाले तुम्हें याद है ना बता प्रभा भाई ताई थोड़ी सी बस बुरा नहीं मानना पर नू बजी अरे ताई तो मत कह अलग थी सी है ताई है पर वो ताई थी कौन अभी आता बहु छोरे की बहू थी याद है ना बहू का बुढ़ा हो रहा था मैं खाली इसकी बहू की ताई कह दी थी भाई डिब्बा टेम्पल का योड़े का एक रास्ता है जो पैदल जाने का है वो छोटा पड़ेगा और योड़े का पूरा घूम कर ना गाड़ी वाला रास्ता है हम अड़के चला अड़के चला है ऊपर ट्रैफिक भी कम है लोग भी कम आवा जाओ है अड़के आराम से शांति से चला है वादियों में पहाड़ा में है यार थोड़ा सा इसी चीज ढूंढ रहे थे फिर भीड़ नहीं पावे आड़े सारे की देखने है चलो यो राह मिल गया भाई इसमें पाया पाया चलेंगे खाली रास्ता है कोई दो चार आदमी आ जाओ है एक दो बाइक चल रही है इस पर का पोचा हुआ ऊपर शिशु में शिशु वैली है इस साइड में भाई पहाड़ जिस वो झरना देखो भाई जूम करके दिखाया है दिखा हुआ झरना देख भाई यो इतनी दूर आड़े थे दिखा इतनी दूर जाना है भाई और ऊपर ने सीढ़िया का रास्ता सारा ये भी इसको ऊपर चलेंगे सीढ़ी सीढ़िया जड़ी बूटिया हुए पहाड़ों की जोड़ोगा लो भाई थोड़ी सी शिलाजीत की जानकारी ले लो ताऊ शिलाजीत की जानकारी देने लगा रहा के फायदे है चलो सुना एक बार कभी जुकाम नहीं बनेगा कम्बर नहीं दिखेगा उनको साफ करेगा कमजोरी नहीं बनेगी आपके संजय है नहीं संजय वो भी खाते हैं बाबू शिलाजीत के दूध में डालते हैं राम अखाड़े के थे भी दिल्ली में अखाड़ा था उनका राम देखो ये शिलाजीत की पहचान करते आपके जाट कालू जो नहीं रोहतक बाबू जी वहाँ बहुत लड़के लोग खाते जीवन में कभी जोड़ों में हड्डियों में दर्द नहीं बनेगा देखो ये शिलाजीत की पहचान है बरोबर इसका तार निकल जाए 15 दिन खा लो ये बोड़ी पे खा के चढ़ जाओ लंबी ऐसे रख देना जैसे पाकिस्तान बॉर्डर पर रख देना इतनी विधि को गाढ़ा देगा कमर को ताकत देगी सलाह खून को साफ करेगी नजला जुकाम नहीं बनेगा देखो ये को मरने का चीज गांजा है सल्फा है दारू पे वो मरने का चीज है ये तो प्योर चीज है सलाह लग रहा नहीं नहीं डालो इस तो रुकेगा पानी में डालो पानी में इसका लेंथ चलेगा देखो इसको पानी में डाल दोगे ना थोड़ा सा तो इसका तार चलेगा देखो ये नहीं जीवन में कभी हड्डियों में दर्द और कमर में दर्द नहीं बनेगा देखो एक पहचान ये है पानी में डालो शिलाजीत का तार चलेगा बाबू ये पहाड़ का दूध होता है इसको लंगूर आता नहीं लंगूर बंदर वो ज्यादा खाता थोड़ा सा इसको पानी में डाल दो जीवन में कभी दर्द नहीं बनेगा उसी कमर को ताकत देगी पतली कोड़ी वो तो उनको खा के देखो अभी पतली की कोड़ी दिखाई ये आगे देखो थोड़ा ऐसे कड़वा लगेगा थोड़ा पानी में डालोगे नहीं इसके नीचे अभी लेन देखना चेरा जुटता सब पिघल जाएगा पानी थोड़ा इतना खा के देखो आप इसको पानी में डालो बकरी देखो
इसको इतना खाओ तो खाके देखो ना बन गई ना देनी होगी तेरे बहुत अच्छा है ना देनी होगी तेरे कोई बात नहीं बाबू जी मैं कौन सा जबरदस्ती दौड़ देता हूँ जीवन में कभी जोड़ों में दर्द नहीं बनेगा ये गैस का चूर्ण होता है देखो ये पेट में वही हो गया अब देखो इसके नीचे धारा चलती है जैसे बाथरूम से पानी गिरता नहीं ऐसे इसका लेंथ देखो सला जी खाके देखो थोड़ी कड़वी है बाबू आदमी दो दो बोतलें दारू पी जाते हैं गांजा सल्फा पीते हैं बाबू जी गंगोत्री साइड जाके ये देखो ये है चूर्ण पालम खीरे का घर भैया कोने का रेट है कैसे है ये 215 रुपए तोला देखो बाबू 215 रुपए तोला एक दो तोले खाके देखो बाहर से ले जा लो भाई हिडम्बा देवी टेम्पल के मेन रास्ते बारे मतलब ये मंदिर की तरफ जाने का रास्ता है उस तो पहले एक गाइड मैप लगा रखा है गाइड मैप मनाली का गाइड मैप है भाई उधर यहाँ डबीन में दुकान है भाई छोटी मोटी ये छोटे छोटे याक और अंडा है क्योंकि इतने दूर का रास्ता भी तरफ कड़े सीख मंदिर भाई चलो ढूंढा उसने भी ये देखो भाई ये हाड़े छोटे छोटे याक कैंडी सिंह बना रखे हैं कसूते काठी चचा रखी थी वाए ये तो भीड़ी सी गली है यार भीड़ बहुत है राड़े का चलो ये दाल दूल भी सब गम सब गए के दुकान लगा रहे डेक क्या डवाए लूटने का सौदा यो पेंटर आड़े भी बैठा है देख लो वाए उसी पेंटिंग करा है बिल्कुल जिसे वो नीचे कर लाग रहा था डर की देखी दे यार घना डर लग गया देखी सिमर तक जाल लग रही है बढ़िया गति दे पूछ दे कितनी अंडी लग गई ना देखिए कि दिन फूला बना रखा है पूछ खा डी ने बांसी बहुत हो रही है यार इनके चौथ साथ पड़े होंगे इनकी बहुत बदबू सी हो रही है ये क्यों रेड है इसमें मतलब आदो हो रही है कती यार चलो बांध दिया अच्छा मतलब आड़ती है भाई अगली यार ये इसमें दुकान तो कौन थी अरे यो आड़े का एंट्री आ गया भाई चलो भाई यो है भाई शाम ऊपर ना मंदिर दिखल ना गया आड़े भीड़ है बनी है म्यूजिक सुन लो थोड़ा म्यूजिक का आनंद लो लग रहे वह चौधरी साहब दोनों कितने रहे थे इतनी मेरा ना मेरे रस के कमर चला रहा है डे की वह मैं एक बार राजस्थान घूमने गया था उड़े भी वो जैसे ये मेरे रस के कमर चलाई थी आड़े भी हो जाए चलाया मैं कहते गया टू ना हो दू ना हो इन्हें बनानी वह अब भी ना मन ने यह सुन मिल रहा सब है चलो आगे देखा दो साइड में जो गुलाब जामुन दर रहा छोटी छोटी थी इस तो बड़े बड़े तो आलू बुखारे भी आ जा भीड़ को पार करते हुए हम इडिब्बा टेंपल की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते हुए ये हिडम्बा देवी टेम्पल है भाई यहाँ पे ऊपर पहुंच गए हैं इसके आसपास में भाई लोग अपने आराम कर रहे हैं छाव में बैठे हैं फोटो शूट कर रहे हैं ये है भाई हिडम्बा देवी टेम्पल यहाँ पे मनाली में ये देखो भाई आड़े का नजारा देखो शांति ठंडक और एकांत और उड़े कुछ दूरी पे टैंटा वह वह हो रही है राड़ देखो भाई बिल्कुल शांत सा स्वभाव है पेड़ तो कितने लंबे लंबे देखो चक्कर आ गया भाई हिडम्बा टेम्पल घूमे भाई इब चल पड़े वापस अपने डेस्टिनेशन अपने घर की तरफ जो अपनी गाड़ी है
वहां तक जाने के बाद भाई देखते हैं ले की तरफ रास्ता करेंगे। तो बैटरी लो हो गई, 10% पे बैटरी आ गई, सिग्नल दे दिया है, नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतरने लग रहे भाई उसे रास्ते जिसके जिस रास्ते ऊपर आए थे, नीचे जाकर ने बात करते हैं भाई। भाई अपना स्टॉक ले लिया 2-3 दिन का खाने पीने का, खीरे खारे ब्रेड पानी, पानी की बड़ी बड़ी बोतल ले ली भाई 5 लीटर की, या सही काम आओगी, खांड पूरा सब कुछ लिया है भाई, जो जिस चीज की वरना जरूरत पड़ने का, क्योंकि लद्दाख ले कहना चाहा के थोड़ा तो शायद ना भी चीज भला हमने तो हमने ले लिया अड़े थे। ले लद्दाख का रास्ता पकड़ लिया भाई मनाली माल रोड से, शॉपिंग कराए, थोड़ा मार्केट में घुमाया, थोड़ा भाई शॉपिंग सिर्फ खान पीन की चीज थी, जो चीज चाहिए थी जो जरूरी है सर्वाइवल के लिए उतनी ले आए हैं, स्टॉक कर ली है, पानी भी अब हमारे पास भर गया। अब इससे आगे ले लद्दाख की तरफ चल रहे हैं, देखते हैं रास्ते में कौन से अपने स्पोर्ट्स आते हैं, वहाँ पर रुकते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं।